आइडियली भारत में ऐसा होना नहीं चाहिए। भारत में सांसद अपना लीडर चुनते हैं, जो सबसे बड़ी पार्टी होती है वो लीडर चुनते हैं और वो प्राइम मिनिस्टर बनता है, और प्राइम मिनिस्टर जो है सो इक्वलों में सभी बराबर में बड़ा होता है। तो यहाँ तो ऐसा हो गया था जैसे नरेंद्र मोदी एक डिक्टेटर है, लेकिन वो अब उनकी पार्टी का मामला है, उसमें हम लोगों को ज्यादा कुछ बोलना नहीं था। तो लेकिन वो चाहते यही थे कि उसी तरह से उनके मुकाबले का कोई लीडर हो और वो उससे सीधे फाइट करें वगैरह वगैरह, जैसे अमेरिका में होता है। तो उसमें अगर उनको कोई अच्छा नेता मिल जाता और उनको जवाब देता या चुनौती देता तो मोदी जी का क्या हश्र होता, ये तो उस समय की बात थी जो किसी ने चुनौती उनको दी नहीं और उनको छोड़ दिया। तो इसका ये फायदा उठा करके या गलतफहमी में रहकर इन्होंने अपना नुकसान किया। आइडियली मुझे लगता है कि उसी समय कोई कहता कि आओ बैठो बात करते हैं, किस चीज पे बात करनी है या क्या करनी है या कहाँ लोकप्रियता दिखानी, तो शायद उसी समय वो ठीक हो गए होते और अलग ढंग से काम करते। तो वो उनको जो छोड़ दिया गया और इन्होंने जो राहुल गांधी को पप्पू और ये करके जो बदनाम करने की कोशिश की, और उसमें इन लोग कांग्रेस पार्टी ने या विपक्ष ने या सब लोगों ने, आम जनता को भी विरोध करना चाहिए था और जो ये लोग कर रहे थे उसका विरोध तो करना ही चाहिए था सबको, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। उसमें दो तीन बातें थी जो मतलब एक वो 2G घोटाला, और उसके अलावा ये अफवाह कि सोनिया गांधी दुनिया की सबसे अमीर या तीसरी सबसे अमीर महिला है, रॉबर्ट वाड्रा ने बहुत सारे घोटाले किए हैं वगैरह वगैरह। तो उसके बाद ये अपना नेशनल हेराल्ड वाला मामला, तो सब मिलाकर के ये दिखाने की कोशिश की थी कि कांग्रेस पार्टी ने 50 साल में काफी भ्रष्टाचार किए हैं, काफी पैसे बनाए हैं। हालांकि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, जो देश में व्यवस्था है उसमें अगर ऐसा होता भी तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, और मोदी जी ने जिस ढंग से कहा वो उतना बड़ा नहीं था, लेकिन बाद में आकर के खुद इन लोगों ने साबित कर दिया कि जो ये आरोप लगाए थे कुछ नहीं था। सोनिया गांधी के खिलाफ खबर गलत थी, अगर रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ कोई मामला था तो 10 साल इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, चुनाव के समय बात चलती है और फिर खत्म हो जाता है वगैरह वगैरह। तो इस ढंग से इन्होंने खुद ही साबित कर दिया कि जो ये बोल रहे थे वो सब गलत था, उसमें कुछ नहीं था, और ये इनकी रणनीति थी राहुल गांधी को या कांग्रेस को बदनाम करके खुद को आगे बनने के और सीना फुलाकर कहने की भाई मेरा कोई मुकाबला नहीं है, मेरा कोई मुकाबला नहीं है। एक आदमी का सिस्टम ही नहीं है भारत में, भारत में टीम वर्क का मामला था, तो एक आदमी का सिस्टम आपने बना करके जो उसको जो गलत था उसको आपने इस ढंग से प्रेजेंट किया जैसे कि आप बहुत ही काबिल हैं, और काबिल थे नहीं, टीम वर्क आपको आता नहीं। तो कुल मिलाकर के 10 साल में पूरी तरह सब कुछ छिन्न भिन्न हो गया, अस्त व्यस्त हो गया, प्रशासन नाम का कोई चीज ही नहीं है। दिल्ली शहर में एक वरिष्ठ पत्रकार का फोन थाने में पूछताछ के नाम पे रख लिया जाता है, एक नहीं तमाम पत्रकारों का, मैंने कई लोगों का फोन वगैरह रख लिया गया है। क्यों रखा जाना चाहिए फोन? और आज के समय में अगर किसी का फोन या लैपटॉप रख लिया जाए तो वो काम कैसे करेगा, ये कौन सोचेगा? और एलिगेशन कुछ है नहीं, एलिगेशन तो यही है ना कि वो अपना काम कर रहे थे, जो सार्वजनिक रूप से पब्लिक से पैसे लेकर के काम करवाया जा रहा था, उसमें आप 48 लोगों का लैपटॉप और फोन छीन लेंगे या रख लेंगे तो काम कैसे करेगा आदमी? तो ये आपको देखना ही नहीं, आपको किसी चीज से मतलब ही नहीं है। विदेश से पैसे आकर के कोई एनजीओ अगर जनसेवा कर रहा है तो आपने विदेशी चंदा लेने के नाम पे उस पर प्रतिबंध लगा दिया। तो मकसद तो आपका ये है कि कोई आपका विरोध ना करे, जो विरोध करे उसका धन का आय का स्रोत आप काट दे। तो और इस चक्कर में लोगों को नौकरी नहीं मिल रही, लोगों का काम नहीं हो रहा, लोग परेशान हो रहे। तो आपने अच्छा कुछ किया नहीं, बुरा करने में कोई कमी नहीं रखी, काम आपसे कुछ हुआ नहीं, नौकरी रोजगार बिजनेस सबका बाजा बजा करके रख दिया, तो आखिर वो कितने दिन चलना था? तो इसमें तो विरोध होना ही था, विरोध होना ही था, और इसीलिए इंडिया गठबंधन बन पाया, बना जैसे था, अगर सब ठीक चल रहा होता तो ये बनता नहीं। तो कुल मिलाकर के इन लोगों ने जो इनकी कार्यशैली थी उसको कंटिन्यू करने के लिए कुछ नहीं किया, या कर नहीं सकते थे, या योग्यता नहीं थी, या उसकी जरूरत नहीं समझी, जो भी आप कहिए जैसे भी देखिए, लेकिन इन्होंने उसको कंटिन्यू करने के लिए कुछ नहीं किया। और दूसरी तरफ राहुल गांधी ने जिस ढंग से जवाब दिया या जिस ढंग से वो काम कर रहे हैं उससे लग रहा है कि वो पूरी तरह से तैयार थे और उनकी तैयारी का असर दिख रहा है। अब जैसे नैरेटिव बनाना, पूरा अखबार या मीडिया को आप कंट्रोल कर लीजिए और ये कह दीजिए कि भाई उसको तो कुछ आता ही नहीं है, हम ही सबसे तेज हैं या हम ही सबसे अच्छे हैं या हम ही सबसे ईमानदार हैं, तो ये अगर डाउन लाइन एकदम नीचे तक कन्वे हो गया तो लोग समझ रहे थे कि ठीक है मोदी जी अच्छा चला रहे, तो लोगों ने मोदी जी को टाइम दिया, लेकिन रिजल्ट नहीं पहुंचा, तो अब वो कितने दिन चलेगा?
इसलिए अगर ये संदेश दिया था इन्होंने कि कांग्रेस खत्म हो गई है और बीजेपी आ गई है, 56 इंची आ गया है, घर में घुस के मारने वाला आ गया है, तो ये पूछा जा रहा है कि कांग्रेस तो का डाउनफॉल हो रहा है। और उसका राहुल गांधी ने जो जवाब दिया जिस मौके पर जिस ढंग से, उससे क्लियर हो गया कि डाउनफॉल का जो नैरेटिव था वो कितना झूठा या कितना हल्का था। और राहुल गांधी ने उसको मौके पे चौके की तरह बहुत बढ़िया से प्रेजेंट किया। तो इस तरह से वो बहुत क्लियर हो गया कि नैरेटिव गलत बनाया जा रहा है। उसी तरह से जी तो मीडिया है, आपने सभी टीवी चैनल्स पे कंट्रोल कर लिया और अब आपको खुद टीवी चैनल यूट्यूब बना करके कहना पड़ रहा है कि आओ देखो, आपके पास अपनी पब्लिसिटी अपनी बात पहुंचाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाइए। बिल्कुल, तो आपने अपनी हालत ये बनाई है, ये बना ली है। और उसमें कैलाश विजयवर्गीय जैसे नेता हैं जिनको पता नहीं है कि पब्लिक में क्या कहा जाता है और क्या नहीं कहा जाता, इतने पुराने नेता हैं और उनको इस तरह से नहीं कहना चाहिए। ये टेक्निकली गलत है तो गलत है, नहीं बोलना चाहिए, क्या जरूरत थी करने के लिए, तमाम उपाय हो सकते थे। तो बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं संजय जी। ये है कि कैलाश विजयवर्गीय ने जो कहा है कि जिस बूथ में एक भी वोट कांग्रेस को नहीं मिलेगा उसको मैं 51,000 रुपए दूंगा, वो तकनीकी रूप से तो गलत है ही है, जिसकी चर्चा हम लोग कर चुके। उससे ये बू भी आती है कि क्या यह संभव है कि किसी बूथ पर एक भी वोट कांग्रेस को ना मिले। माने मुझे याद आता है कि जब बूथ छाप दिया जाता था, जो हम लोग बिहार में कहते थे कि छाप दिया जाता था, और मैं कई छापने वालों को जानता हूं और छपवाने वालों को भी, तो उसमें ये होता था कि 150 वोट मतलब प्रोपोर्शनेटली तो ऑपोजिशन को दे ही देना है, नहीं तो ये क्लियर हो जाएगा कि बूथ लूटा गया था और छापा गया था। तो अगर तब भी इस बात का ध्यान रखा जाता था, और अब अगर ईवीएम के जमाने में कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि एक भी वोट नहीं मिलेगा तो मैं 50,000 या 51,000 रुपए दूंगा, तो इसके दो ही मतलब हैं। एक, या तो वो अपने कार्यकर्ताओं को बेवकूफ बना रहे हैं जो संभव नहीं है, और अगर ईवीएम के जमाने में ये हो सकता है तो आप समझ लीजिए कि चुनाव की स्थिति क्या है, और जो बड़ी और गंभीर चिंता का विषय होना चाहिए। ये और कोई कहा होता तो नहीं मैं सीरियसली लेता, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं, वो जो कह रहे हैं कि मुझे तो चुनाव लड़ना ही नहीं था, तो अगर चुनाव लड़ना ही नहीं था तो ये संभावना बीजेपी के चुनाव प्रचार में है कि किसी एक बूथ पर ये संभव है कि कांग्रेस को एक वोट भी नहीं आए। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर अगर कांग्रेस का पोलिंग एजेंट होगा तो वो वोट डालेगा ना, और कांग्रेस का पोलिंग एजेंट किसी बूथ पे नहीं होगा, इस बात की संभावना मध्य प्रदेश के चुनाव में अभी कितनी है। तो इस लाइट में अगर ये कह रहे हैं कि बूथ लूट लिया जाए, माने ईवीएम बूथ लूटने को, ईवीएम से बूथ लूटने की बात मैं कर रहा हूं, और उसमें अगर ये लोग 100% वोट डाल देंगे, जो जाहिर है रिजेक्ट हो जाना चाहिए और रिजेक्ट हो जाएगा, लेकिन इन लोगों की तैयारी में वो नहीं है कि 100% नहीं होना और कांग्रेस को एक भी वोट मिलेगा तो पकड़े जाएंगे, तो ये लेवल है इनका काम करने का, चुनाव लड़ने का, तैयारियों